नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस ओडिसा रे पूर्णी 6000 ऊपर को देछि कोरोना संक्रमण राज्य रे मोट 6599 आक्रांत चिन्हट खोर्धा रे सर्वाधिक 958 नुआपडा रे 551 कोलाहांडी रे 518 पूर्णी 9 मुंड नेला महामारी राजधानी रे बीएमसी रो स्पेशल ड्राइव घर घर बुली लोकों को तथ्य संग्रह सहित स्वास्थ्यगत समस्या बुझुचंती टीम फोकस रे बस्ती अंचल भुवनेश्वर 67 वार्ड रे चालीछि दुई पर्याय विचार युक्त दुई परीक्षा बातिल दाबी रे पुणी एकाठी हेले छात्र छात्री भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक रे छात्र छात्री को विक्षोभ 10 दिन मध्यरे दाबी पूर्ण नहले नवीन निवास घेराउ चेतावनी ढेंकानाल कामाख्या नगर में पापाई हाहाकार गोरा बाल्टी धरी जातीय राजपथ अवरोध कले ग्रामवासी कामाख्या नगर जाजपुर रोड यातायात बाधाप्राप्त आज स्वर्गद्वार उपर लगला कटकड़ा पुरी छड़ा अन्य जिलार लोकों सबदा मना समुद्र कूल में अस्थि विसर्जन नहीं गाइडलाइन परवर्ती निर्देश न आसवा पर्यंत बलवत्तर रहिबो नियम थमुनी माओ हिंसा झारखंड सीमा चक्रधरपुर लोटा पहाड़ निकट में विस्फोरण ट्रेन लाइन उड़ाइले लालबाहिनी बॉम्बे हावड़ा लाइन में ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त सेपटे सुकमारे जालीदेले आठ मालवाही गाड़ी एवं भोट देउछि पश्चिमबंग सप्तम पर्याय निर्वाचन जारी 34 आसन में 268 प्रार्थी भाग्य निर्णय करुछन्ति भोटर आसवा संपूर्ण खबर को ओडिसा रे पूर्णी 6000 ऊपर को डेंछि कोरोना संक्रमण आज राज्य रे मोट 6599 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती आक्रांतक मध्यरु खोर्धा रे सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट होइछंती एने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि खोर्धा व्यतीत नुआपडा रे 551 कोलाहांडी रु 518 कटक रु 488 आक्रांत चिन्हट होइछंती झारसुगुडा रु 436 सुंदरगढ़ रु 434 गंजाम रु 323 जाजपुर रु 237 संबल पुरु 226 नवरंगपुर 221 बरगढ़ 203 सेटपुल 201 आक्रांत चिन्हट होती पुणी 9 मुंड नहीं महामारी मोट मृत्यु संख्या 1997 को वृद्धि पाई द्रुत संक्रमण दृष्टि बीएमसी पक्षर् स्वतंत्र अभियान घर घर बुली लोकों तथ्य संग्रह सहित स्वास्थ्यगत समस्या बुझुचंती टीम यास तार आशु समाधान उपरे गुरुत्व देउछंती बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद्र चौधरी निर्देश क्रमे बीएमसी समस्त 67 वार्ड में आरंभ होइछि अभियान प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र को गोटे गोटे यूनिट भाव ग्रहण कर एक कार्य को त्वरान्वित अभियान में बस्ती अंचल को फोकस रखी भुवनेश्वर में मोट 377 अंगनवाड़ी केन्द्र ताबे 436 बस्ती चिन्हट हो कार्य 450 कर्मचारी नियोजित रही तथ्य संग्रह कर प्रत्येक टीम जड़े अंगनवाड़ी कर्मी जड़े आशाकर्मी और जड़े बहुमुखी स्वास्थ्यकर्मी सामिल अच्छा प्रथम पर्यायर 436 बस्ती में 281,750 परिवार तथ्य संग्रह वर्तमान द्वितीय पर्याय तथ्य संग्रह जारी रही तथ्य संग्रह समय रे परिवार रो सदस्य संख्या वृत्ति टेलीफोन नंबर 50 वर्ष रु अधिक वयस्कों संख्या सदस्य ट्रावेल हिस्ट्री और किसी लक्षण व स्वास्थ्यगत समस्या आदि तथ्य संग्रह करा तथ्य संग्रह पर टेलीफोन जोगे नियमित व्यवधान में जोगाजोग कर संपर्क स्थापन कर अपडेट तथ्य संग्रह कर भारत में कोरोनार द्वितीय लहर संक्रमण चली द्रुत गति में आक्रांतों संख्या बढ़ी चली स्थिति जटिल होबार लगी देश में अम्लजान संकट बड़ समस्या पलटि तेरे विश्वर अनेक देश भारत को सहयोग हाथ बढ़ाई भारत में कोरोना संकट नहीं आमेरिका को आमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते जितेबाला आमेरिकार महामारी संकट आरंभ होता भारत आमको सहायता कर भारत यह आवश्यक समय आम सा स्थिर करुचु तेरे फ्रांस भारत को अक्सीजेन जोगाइबारे सहायता गत दुई मास धरी अमेरिका भारतीय कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट कोरोना टीका कोविशील्ड तैयारी रे व्यवहृत कंचामाल जोगाण बंद रखिता तेरे वर्तमान अमेरिका तुरंत कंचामाल जोगाइबा को प्रस्तुत अच्छे तेणु कोविशील्ड टीका उत्पादन शीघ्र बढ़िबो
राज्य में कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगाइबाकु समस्त सहरांचल लगी सप्ताहत शटडाउन शेष होइछि। फरे आज सकाळु सहरांचल गुड़िक जीवन यात्रा स्वाभाविक भाव आरंभ होइछि। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी 30 जिलार समस्त सहरांचल में यह शटडाउन करा विशेषकर राजधानी भुवनेश्वर कटक समेत सबु बड़ बड़ सहर और म्युनिसिपालिटी और एनएससी अंचल में भी सप्ताहत शटडाउन प्रभाव पड़ता। तेज केवल अत्यावश्यक सेवा व्यतीत अन्य कार्यक्रम को अनुमति रास्ता और बजार घाट खाँ खाँ रही व्यस्तबहुल सहरांचल में रागि रही सुनसान परिवेश आउ एभली चित्र गत काली सामना को आसीथिला। तबे केमिति रही शटडाउन परर स्थित अर्थात दुईदिनिया सप्ताहत शटडाउन पर कौन रही चित्र ब्रह्मपुर जिबा ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़ी। पीतांबर दुई दिन धरी सप्ताहत शटडाउन रही है लोके बेस आपको स्वागत करते लोकों मध्य सचेतनता देखा मिलता बेस दुई दिन रास्ताघाट सुनसान हाट बजार सुनसान था कि आज चित्र कौन निवेदा निश्चित भाव दुईदिनिया सप्ताह शटडाउन पर आज टिके मार्केट विभिन्न बजार घाट में गहली देखा मिली अन्यपटे रास्ताघाट संपूर्ण भाव जो गत कालीर दृश्य खाँ खाँ थिला लोक निज आड़ निजे सचेतन थिले किंतु मो कैमेरा पर्सन शुभेंदु को कहबि जे जो भी भाव चित्र देखाइबे आम वर्तमान जातीय राजपथ एवं ब्रह्मपुर को संजयीकरण करथुवा लांजीपल्ली जातीय राजपथ निकट रे मध्य रहिछु लोकमानकर यातायात मध्य लागि रहिछि दुकान बजार मध्य खोला रहिछि जे जेमती कि शटडाउन रो दुई दिन परे लोकमान पुणी आउथरे घरु बाहरी छंती गोटे कथा हूँ गोटे पटे वर्तमान कोरोनार मात्राधिक पॉजिटिव को संख्या विशेष करके गंजाम रे आज जदि चित्र कह गत दुई दिन तीन दिन धरिकी जिते बड़े 150 संख्यार दिन को संक्रमित संख्या आसुला आज ता डबल हो जाए अर्थात 300 अतिक्रम कर गंजाम कोरोना ग्राफ आज अपडेट जहाँ किंतु वर्तमान समय रे मध्य लोक माने बेस सचेतन अछंती किंतु लोकों परिवार चलेबा पाई मार्केट आसीबा पाई ए सबु भिड़ को मध्य आयात करिबाटा बेस कष्टकर होई पडुछि काहेकिना आपण देखि परुथिबे जे प्रत्येकटि लोक को देखिले लागुछि जेमती व्यस्त बहुल भापरे से माने बाहर को बाहर छंती जेमती कि गोटिए पटे कोरोना कोप किंतु अन्य पटे जीवन जीविका ए सबु भितरे वर्तमान समय रे मध्य लोक माने शह शह संख्यार बाहर को बाहर छंती मार्केट रास्ताघाट संपूर्ण भाव गहली रहुछि वर्तमान समय रे जदियो गंजाम रो विभिन्न स्थान रो मु अपडेट देबी हिंजिली काटु कथा कहबा लोक माने जति कि सचेतन नाहंती सेठारे व्यवसायिक संघ मध्य बे सचेतन अछंती निज आडू प्रशासनिक अधिकारी बा जिला प्रशासन को से माने अनुमति मागी छंती जे जेंबुली भापरे संपूर्ण भाव आसंता दुई तारीख पर्यंत प्रत्येक दुकान बजार सहर को संपूर्ण भाव बंद करिवे जहाद्वारा कि कोरोनार जो ग्राफ अच्छी कोरोनार जो चेन अच्छी ता भांगी पार अनुरूप भाव आसिकार जो चैंबर ऑफ कॉमर्स रही व्यावसायिक संघ रही से माने मध्य जिला प्रशासन को गत काली अनुरोध करते जो भी भाव में आम संपूर्ण भाव आम आड़ कोरोनार चेन भांगा आसिका टाउन को संपूर्ण भाव बजार घाट रास्ताघाट संपूर्ण भाव बंद करूँ ताकने आज प्रस्तुत प्रणाली आरंभ करदे आसिका एवं हिंजिली काटु गंजाम जिलार ए दुईट जगार जेहेतु अत्यधिक पॉजिटिव संख्या आसुची ए दुईट सहर से संपूर्ण भाव आसंता दुई तारीख पर्यंत संपूर्ण भाव दुकान बजार बंद रही तो यह स्थिति को देखा जदि ब्रह्मपुर किसी स्थान में मिनि कंटेनमेंट जोन घोषणा करपटे हिंजिली किसी स्थान में सानखेमुंडी किसी स्थान में मिनि कंटेनमेंट जोन घोषणा करो निश्चित भाव कहीपर जो आपत जमी कहले जितेबले कि शटडाउन पर दृश्य तो निश्चित भाव मार्केटर जनगहलीर वातावरण ही कहि जे लोक माने आहुरी सचेतन होबार आवश्यकता रही पुलिस प्रशासन व्यापक व्यवस्था करिबार आवश्यकता रही बिना कारण जमी लोक माने अधिक बाहर ताकि प्रस्तुति प्रणाली आहुरी ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करिबार रही पुलिस प्रशासन को निवेदन निहाती पीतांबर जे खाली जे प्रशासन शटडाउन कर लॉकडाउन कर आम नियम मानवा अर्थात जो दिन शटडाउन रमें घरे रहा जो दिन शटडाउन खोल आम मार्केट रे बिना काम रे गहली करिबा ये बिल्कुल भी ठीक नुहे कहीं समय वर्तमान जहाँ रही आमको एबेठारु ही सचेतन होबाक पड़ सतर्क होबाक पड़ ताले हुए तो आम महामारी सहित लड़ई करपर ए युद्ध में विजयी हो पार बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर नाहक आम ब्रह्मपुर प्रतिनिधि सदासक आमको ब्रह्मपुर ताजा सूचना दे।
युक्त दुई परीक्षा बातिल दाबी रे एकाठी हेले छात्र छात्री भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन छक रे एकाठी होइछंती एकाधिक कॉलेज रो छात्र छात्री चारि दिन तळे परीक्षा बातिल दाबी रे धरना देखिले छात्र छात्री कोरोना जोगु दशम श्रेणी परीक्षा बळी युक्त दुई परीक्षा बातिल करबा को मध्य दाबी करथिले। आज सही समान दाबी ने आंदोलन को लाइछंती छात्र छात्री तबे पिलामानों को दाबी को समर्थन करी नव निर्माण युवक छात्र संगठन रो कर्मकर्ता मध्य प्रतिवाद रे शामिल होइछंती आ 10 दिन भितरे दाबी पूर्ण नहले नव निवास घेराव करबा को चेतावनी देइछ नवनिर्माण युव छात्र संगठन कर्मकर्ता जो कैंसल करने आम दाबी रखीचु तार रिजन हूँ जो तीन मास सरकार देखते पढ़ापी तीन मास ठीक नथिला आउ तीन मास रे जो 50 दिन कि 40 दिन क्लास आउ सब छुट्टी जाइए आउ जो 50 दिन क्लास गोटे गोटे दिन गोटे गोटे चैप्टर ये कराई जदि आम दाबी रखुचु समीर रंजन दास निजे जदि आम बुक दबु प्लस टू सेकेंड बुक दबु जो तीन मस पढ़ी सारिक एग्जाम दे पार्टी आम भी देपरबू किंतु आम ये समस्त दाबी रखुचु आम प्लस टू सेकेंड एग्जाम बंद हो कैंसल हो कैंसल हो एग्जाम कहीं जो ऑनलाइन क्लास होता से सब पिला क्लास करते कि जो आम पाखे सीना फोन अच्छी जो गाँव गहल जो पिला रोचन से तो फोन नहीं ना से माने क्लास केमती करेंगे तापर जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा से गवर्नमेंट निजे अंडरटेकिंग दे कि पिला माने आसी क्लास करेंगे तो सब पेरेन्ट्स तो कोरोना टाइम रे पिला छाड़ ना तो पिला ऑफलाइन क्लास भी कले इवेन तथापि जदि तथापि गवर्नमेंट कहूँ जो 100 दिन क्लास है 100 दिन भितर जो गवर्नमेंट छुट्टी रहा तापर जो अधारु बंद करदे कोरोना बेसी होची बोली बंद कर देले तो पिला क्लास कले केतबेले पिला पढ़ी ना तो पिलांकर 2 वर्ष वेस्ट हबो कौन पे पिलांकर 2 वर्ष वेस्ट हो गले से माने फेल हो जिवे ऑलरेडी पिला माने परीक्षा चाप रे आसी सुसाइड करूथिले स्वाभाविक परिस्थिति रे मध्य किंतु एबे तो कोरोना चलछि पिला पढ़ी ना जेतले पिला माने फेल हो जिवे से माने समानक पेरेंट्स कोन करियो से माने सुसाइड कर सारला परे पाणीपाई जातीय राजपथ अवरोध ढेंकानाल कामाख्यानगर रंगमाटिया बन्यासाही ग्रामवासी गरा बाथ्या धरी रास्ता अवरोध करिसंती। आज सकाळु ग्रामर शताधिक महिला गरा बाल्टी धरी जातीय राजपथ रंगमाटिया छकठारे रास्ता अवरोध करिथिले जाफळरे कामाख्यानगर जाजपुर रोड यातायात बाधाप्राप्त होइछि। उभय पार्श्वरे शताधिक गाड़ी अटकी रहिछि। तीन दिन बंद रहिबो संबलपुर प्रसिद्ध देवीपीठ घंटेश्वरी मंदिर। तीन दिन मंदिर सर्वसाधारण दर्शन पर बंद रहिबो तेबे माँ घंटेश्वरी वार्षिक चैत्र पर्व आसंता रही पर्व में केवल रीतनीति अनुजाई कम संख्यक पूजक उपस्थित रही विधि मुताबक पूजा करिबे बोली जमापड़ी। एने घंटेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पक्ष सूचना दीजिए ट्राक्टर चका तले चापी हो चलीगला नाबालकर जीवन कंधमाल बालीगुड़ा थाना एक नंबर वार्डर डामिकिया निकट में यह अघटन घटी। ट्राक्टर डालू खसी पड़ चका तले चापी हो घटनास्थल नाबालकर मृत्यु हो तो मृत नाबालक जनक केनवागा थाना सलपजोड़ी गांव राहुल दिगाल बालीगुड़ा पुलिस घटनास्थल में पहंच तदंत आरंभ करने ट्राक्टर को जबत कर आज पुरी स्वर्गद्वार में बाहर लोकों शबदाहमना जिलार दिनक दिन कोरोना आक्रांतों संख्या बढ़ुवर पुरी जिला प्रशासन तरफ एपरी निष्पत्ति नियम मुताबक आज पुरी जिला बाहर कौन लोक स्वर्गद्वार में शबदाह करे ना पुरी जिलार लोकों कोविड व्यतीत अगर कारण पर मृत्यु हेले स्वर्गद्वार में आत्मीय से शबदाह करे हेले कोविड्रे प्राण हरा व्यक्ति स्वर्गद्वार में अस्थि विसर्जन करे ना से पुरी में श्राद्ध और अस्थि विसर्जन कार्य को बारण कर जिला और राज्य बाहर कौन व्यक्ति एवं महोदधि और श्वेत गंगे श्राद्ध करे ना कि अस्थि विसर्जन करे ना कह गत वर्ष फोनी बात्यार श्रीहीन हो पड़ा ऐतिह गाँ रघुराजपुर परे परे महामारी कोरोनार प्रथम पर्यायर लॉकडाउन और सटडाउन जो ऐतिह ग्राम और शिल्प ग्राम रघुराजपुर पर्यटक शून्य हो पड़ा और पुणी कोरोनार द्वितीय लहरी में कटक आरंभ खाँ खाँ हो पड़ा पुरी जिलार रघुराजपुर कार्य छाड़ी हाथ बांधि बसिले शह शह कारीगर आसतु देखा रघुराजपुर गाँव रिपोर्ट।
ଖବର ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ବଢିବ, ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କଂଗ୍ରେସର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ। ତୁରନ୍ତ ହିସାବ କରିକି ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏ କଥା ଆଜି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ BMC ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଆଇନ ପଇସା କର ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କର ତୁରନ୍ତ ୱାପସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିସାବ କରିକି। ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ହିସାବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ମାସ ହେଲା ସେ କେତେ ପଇସା ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଏହି ମାସ ଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିମାଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇସା ନ ଦେଇକରି ଏବଂ ତା'ର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁକି ଦାବି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ସଭାପତି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତଥରକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛୁ ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ, BMCକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଆଦାୟ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ତାହା ହେଉଛି ୟୁଜର୍ସ ଫି। ୟୁଜର୍ସ ଫି ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ତୁମେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି ନେଉଛ, ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛ, ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ଟା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ପେରିନିଆଲ ନେଚର ଅଫ୍ ୟୁଜ୍, ସମସ୍ତ ଦିନିଆ ୟୁଜ୍, ଏବଂ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ସ ଫି ନେଉଛ, ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ପାଣି ଉପରେ ହେଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ହେଉ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଉପରେ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। କରୋନା ଜନିତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ନେବ ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ସଭାପତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ରଜନୀବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଆକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି ତା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବା, ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ କରିକିରି ଯାହାଠୁ ଅଧିକ ନିହାତି ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ଫି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ, ଅଯଥା ଆପଣ ଏଇ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ କନ୍ଦି ଭିତରେ, ଗଛ କନ୍ଦି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ମେଟାଲ ଆଉ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ୁଛି, ଅପବ୍ୟୟ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବା କରୋନାର ଯେଉଁ ଆକଟ ସେ କଥା ସରିଯିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପ୍ରତି ବସ୍ତିରେ ଅପବ୍ୟୟ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ସମସ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁକି ଆଡ଼େ ଟିକସ ବସାଇବେ, ସାଡ଼େ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଶିବେ, ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ଆଦାୟ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମର ସଭାପତି ଏଇ ଆନାଉନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଥମୁନି ମାଓ ହିଂସା, ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ ରେଳ ଧାରଣା। ରାଉରକେଲା ସୀମାନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ନିକଟ ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ରେଳ ଧାରଣା ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁର ନିକଟ ଲୋଟା ପାହାଡ଼ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପ୍ରାୟ 2 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଧାରଣାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, ଯାହାଫଳରେ ହାୱଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ଭାୟା ରାଉରକେଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକ୍ମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ହିଂସା। ଅପରେସନ ପ୍ରହାରକୁ ବିରୋଧ କରି 8ଟି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଜାଳିଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। 30 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ
एरावरठारे लालबाहिनी एही हिंसाकांड घटाइछन्ति। तेबे घटनास्थलकु जाइथिबा किछि युवकंकु धनुतीर देखाई माओवादी गोड़ाइथिले। आजि माओ संगठन पक्षरु भारत बन्द डाकरा दिया जाइछि। या पूर्वरु मध्य माओवादी माने अपरेशन प्रहारकु विरोध करी हिंसाकांड घटाइ सारिछन्ति। गत 23 तारिख दिन छत्तीसगढ़ सीमांत दंतेवाड़ा जिल्लारे एक पासेंजर ट्रेनकु अटकाइथिले माओवादी। ट्रेनर गोटे इंजिन और बगी को शताधिक माओवादी खोली देते। यासह पासेंजर मान को माओ पोस्टर देवासह ट्रेन ने मध्य माओ पोस्टर लगे। आज पश्चिमबंगे सप्तम पर्याय मतदान जारी रही। प्राय पांचटी जिले में 34 आसन पर चली वोटिंग। पश्चिमबंग मालदा कोलकाता दक्षिण मुर्शिदाबाद पश्चिम बर्धमान दक्षिण दिनाजपुर जिले में सप्तम पर्याय वोटिंग देखते। कड़ा सुरक्षा मध्य वोटिंग करा जाउछि। ए पर्यायर 229 जन प्रार्थी मैदान में रही बेले से भाग्य परीक्षा करुछन्ति वोटर। सेपरि ए सप्तम पर्यायर अनेक हेवीवेट प्रार्थी भाग्य निर्धारण चलिछि। समस्त पांचटी जिले में 86,87,221 जन वोटर निजर मत सब्यस्त करेंगे। तेज अपरपक्षे बंग दखल पर बीजेपी और टीएमसी मध्य कड़ा टक्कर होता देखा मिली। तेज आज पश्चिमबंगे सप्तम पर्याय मतदान होता बेले आसंता 29 तारीख में होब अष्टम पर्याय तथा शेष भोटिंग। मे 2 तारीख में आसब पश्चिमबंग निर्वाचन फलाफल। रायगढ़ जिला मुकुंदपुर घाटी एक मर्मतुद सड़क दुर्घटना घटी जाइछि। घाटी को उठुवा बेले एक यात्रीवाही बस ओलटि पड़िबारु 7 जन गुरुतर होइछन्ति। समस्त आहत को रायगढ़ जिला हस्पिटाल भर्ती करा जाइछि। ओमसाई नामक बस टी जयपुर यात्री को नहीं नयागढ़ अभिमुखे जाउथिला। तबे घाटी उठिबा बेले भारसाम्य हराई बस टी ओलटि पड़िथिला। फलरे बस रे थिबा प्राय 7 जन यात्री आहत होइछन्ति। चलित बर्ष रथयात्रा पर प्रस्तुति श्रीमंदिर प्रशासन। नयागढ़ बनखंड आज तृतीय पर्यायर गोटे रथकाठ बोझे ट्रक पुरी में आसी पहुंची। समुदाय 17 धौरा और असन काठ रही। चलित बर्ष रथयात्रा पर मोट 865 खंड काठ आवश्यक थिबा बेले पूर्व वर्षर 69 खंड काठ बलका रही। तेणु चलित रथयात्रा पर 796 खंड काठर आवश्यकता रही। तेज 796 खंड आज पर्यंत मोट 79 खंड वर्तमान सुधा पुरी में पहुंची बेले बलका काठ पर्यायक्रमे आसी पहुंचिब। चिलिका कंकड़ा स्वाद पाई रही यार चाहिदा अधिक किंतु टाण खोलपा अनेकंकु खाइबा पसंद होइ नथाय। एबे एहार एक समाधान सामनाकु आसिछि। चिलिका कूळरे एबे नुआ एक कौशलरे आरंभ होइछि नरम खोलयुक्त कंकड़ा चाष। बिना खोलपारे कंकड़ार संपूर्ण मांस मिलुथवा भळि उपायरे चासी करुछन्ति एभळि सॉफ्ट सेल कंकड़ा चाष। एथिरु दुईगुणा लाभ पाउछन्ति सातपड़ा आळुपाटनार कंकड़ा चासी तानसेन बेहरा। चिलिका कूळकु लागि खोला जाइछि पोखरी। पोखरी भितरे प्रवेश करा जाइछि चिलिकार लुणीपाणी। लुणीपाणी रे प्लास्टिक पाइप बिछाई ता उपरे रखा जाइछि अनेक गुड़े प्लास्टिक बॉक्स। बॉक्स गुड़िक लुणी जल रे भासमान अवस्था रे रहिछि। बॉक्स रो प्रत्येक कोठरी बा खोप गुड़िक रे छोट छोट कंकड़ा पालन पूर्वक आरंभ होइछि नुआ एक कौशल रे नरम खोलयुक्त सॉफ्ट सेल कंकड़ा चाष। चिलिका कूल रे एभली कौशल रे कंकड़ा चाष एही अंचल रे नुआ भासमान पाइप और पंजुरी भली स्वतंत्र व्यवस्था करी खोल विहीन कंकड़ा चाषर ढेर अधिक लाभ करुछंती पुरी जिला सातपड़ा आलुपाटणा गाँव तानसेन बेहरा। तानसेन एही चाषरे मासकु 1.5 लाख टंका निवेश करुथिबा बेले 3 लाखर आय पाइथांती। सॉफ्ट सेल कंकड़ा चाष संपर्क में सूचना दे तानसेन कहिछंती जे एही चाषरे अधिक मानव संबल नियोजित होइथांती। तेणु दुई गुण रोजगार सत्वे मोटा भाग मजूरी बाबद लोक को देवाक पड़े। टेक्निकाल टोटाल ये तो टेक्निकाल चाष इंस्ट्रुमेंट हूँ आप फ्लोटिंग करने पाइप आउ कंकड़ा को आइसोलेसन मान एकला एकला गोटा को एककीकरण करने गोटे गोटे बक्स रही जहाद्वारा आ बहुत गुड़े कंकड़ा हो अधिक परिमाण चाष करने को चाहिए से मूँ अधिक कंकड़ा को खाद्य देवाई गोटे ब्रिज करवा दरकार ब्रिज फ्लोटिंग पाइप आउ बॉक्स तार आसेट। जलरे भासुथबा एही प्लास्टिक बॉक्स गुड़ी को देखंतु एथिरे एकाधिक छोट बड़ प्रकोष्ठ बा गर्त रही
ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତରେ ବା ଖୋପରେ 60 ଗ୍ରାମର କଙ୍କଡ଼ା ଜାଳ ଆଣି ଛଡ଼ାଯାଏ। ସେହି କଙ୍କଡ଼ା ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ମାସେ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 300 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଖୋଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଖୋଳ ଛଡ଼ାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରଖା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ଖୋଳ ଛଡ଼ାଇବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଧରି ଆଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଫ୍ରିଜରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବଜାରକୁ ପଠାଯାଏ। 700 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଏଭଳି କଙ୍କଡ଼ାର ଦାମ 700 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ଏଠାରୁ କଙ୍କଡ଼ା କୋଲକାତା ଓ ଚେନ୍ନାଇକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 6,000 ବାକ୍ସରେ 4,000 କଙ୍କଡ଼ା ଥିବା ତାନସେନ୍ କହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ କଙ୍କଡ଼ାର ବକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ କେଉଁ କଙ୍କଡ଼ା କେତେବେଳେ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ ହେବ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି ଏବଂ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ମୁଁ 6,000 ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ମୋର ପାଖାପାଖି ଏବେ 3,500-4,000 କଙ୍କଡ଼ା ପାଣିରେ ଅଛି। ହଁ, ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ବେନିଫିଟ୍ଟା କେବଳ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ ଅଧିକ ପଳାଇଥାଏ। 4-5 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମାଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି 10-12 ଟଙ୍କା କେଜି ହୁଏ, ସେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଛୁଆ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଛୁଆ କିଣି ଆମେ ପକାଇ ମାସେ କିମ୍ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛୁ। ଟିମେଟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବକ୍ସ ଆଉ PVC ପାଇପ୍, ଆମର ବକ୍ସ ଭାସିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ରସି ଆମର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। କାମ ହେଲା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସକାଳୁ ଆସି କଙ୍କଡ଼ା ଚେକ୍ କରିବା, ମାନେ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କେମିତି ହେଉଛି, କାତି ଛଡ଼ଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ସେଇଟା କାଢ଼ିବା, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାର ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି କେମିତି କେଉଁଟା ମରିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଇଏ ହେଇଛି କାଢ଼ିବା, ଏଇ କାମ ସବୁ। 1,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ସଫ୍ଟ ସେଲ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷରେ ମିଳୁଛି 3,00,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାନସନ୍ ବେହେରା। ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ା ଚାଷର ତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ଏ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୁବକ ଏ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।